हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो आज लेसन टू हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ में एम जिसका हमने कल से स्टार्ट किया था उसमें है कैपेसिटर का सेकेंड लेक्चर ठीक है सो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं एम सीरीज़ ले कैपेसिटर के कल जो हमने क्वेश्चन स्टडी किए थे उसमें मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी टिप्स भी बताए थे जिससे आपको कम टाइम में वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चल, सके सो so, आज भी कुछ क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही लेके आई हूँ मैं जिसमें से कुछ थोड़े से थेरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने कवर करने की कोशिश की है जो कि अलग हैं ठीक है थीके? और उसके बाद हम कुछ सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन का देखेंगे सो so, लास्ट uh, से स्टार्ट कर रही हूँ मैं फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज सो एक्चुअली ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कवर किया है क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है जैसे कि आप जानते हैं कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है मतलब जिस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ही वो पोलराइज होता है सो so मेटल के लिए हम ये कंसेप्ट यूज़ नहीं कर सकते सो so अगर हमने मेटल डायलेक्ट्रिक मटेरियल की तौर पे यूज़ किया हो तो वहाँ पे हमको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी मिलेगा ठीक है मतलब यहाँ पे हमें ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट मिल रहा है कि डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट फॉर मेटल इट इज़ इन्फिनीटी अगर इंसुलेटिंग मटेरियल हो तो ही उसकी वैल्यू मेजरेबल होती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ यह ये भी है, मैंने थेरेटिकल क्वेश्चन लिया है इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द फील्ड विल नॉट बी यूनिफॉर्म एट द आउटर एज ऑफ द प्लेट्स दिस इज कॉल्ड अगर हमने पैरेलल प्लेट्स लिए हो, तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट्स ऐसे चार पेजेस वाली होती हैं और उनके आउटर एज जो होगा उस एज पे हमें जो है वो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं मिलती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं या इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं ओके सो दिस प्रो कंसेप्ट इट इज कॉल्ड एज अ फ्रिंजिंग ठीक है आउटर okay? एज so पे हमें यूनिफॉर्म फील्ड नहीं ऑप्टेन उप, होगी और इस कंसेप्ट को बोलेंगे फ्रिंजिंग ठीक है सो ये दो जो कंसेप्ट थे ये थोड़े से अलग थे इसलिए मैंने थेरेटिकल कंसेप्ट वाला भी इसमें इंक्लूड किया है अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ये एक प्रॉब्लम है और जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ही हमें एक डायग्राम दिखाया गया है वॉट इज द क्वेश्चन फोर कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड एज शोन सो वन टू थ्री फोर कैपेसिटीज है यहाँ पे सबकी कैपेसिटी सेम है द रेशो ऑफ इक्वल एंड बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी विल बी सो so, हमें यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है एक बार अलग पॉइंट दिया है दूसरी बार अलग और उन दोनों का रेशियो पूछा है सो so, पहले हम फोकस करेंगे बिटवीन ए एंड बी हमें कितना मिलेगा सो so, ए पॉइंट यहाँ पे है बी पॉइंट यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहे तो ये एक कैपेसिटर हो गया इसके बीच में और ये तीन जो कैपेसिटर है ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में आ रहे ए और बी के बीच में ठीक है so, सो बिटवीन ए एंड बी पहले हम निकालेंगे सो so, पहले हमें ये सीरीज़ का कंसेप्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा सो so, सीरीज़ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी यहाँ पर हमें मिलेगा थ्री डिवाइडेड बाय सी मतलब इसका कैपेसिटेंस इन तीनों का मिल जाएगा सी बाय थ्री और ये तीनों इसके साथ पैरेलल में मतलब फाइनली कैपेसिटेंस पूरे कॉम्बिनेशन का कितना हो रहा है सी प्लस सी बाय थ्री मतलब ये हो जाएगा फोर सी बाय थ्री ये हो गया इक्वेल एंट कैपेसिट बिटवीन ए एंड बी फाइनली ओके इसके बाद हम निकालेंगे बिटवीन ए एंड सी अब ए और सी का पोजिशन अगर हमने चेंज किया तो देखो ए और सी के बीच में ये दो कैपेसिटेंस सीरीज में है दीज टू आर हियर इन सीरीज और ये दो है ये इधर आएंगे सीरीज में ठीक है अब चेंज हो गया है इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरल में है सो so पहले हम सीरीज निकालेंगे एक का निकाला तो भी चलेगा वन अपॉन सी एस इट विल बी वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी इसका आंसर आएगा टू डिवाइड बाई सी मतलब इस कॉम्बिनेशन का दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आंसर होगा सी बाई टू इसका भी आ जाएगा आंसर सी बाई टू और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिटवीन ए और सी फाइनल आंसर आएगा सी पी सी बाई टू प्लस सी बाई टू सो वन हाफ़ वन हाफ़ बिकम्स वन दैट मीन्स इट इज़ इज इक्वल्स टू सी और हमें अब रेशो निकालना है बिटवीन ए एंड बी और ए एंड सी का सो so, ये हो गया था ए बी के बीच का और ये हो गया था ए सी के बीच का सो so, उसका हम रेशो निकालेंगे सी पी ए बी डिवाइडेड बाई सी पी ए सी ठीक है ए बी का आया था रिलेशन फोर सी बाई थ्री और ए सी का रिलेशन आया था सी तो वो डिवाइड में लेना इसलिए हम इसे सेपरेट वन बाई सी करके लिख रहे हैं सो so, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है फोर एस टू थ्री सो ये आपके करेक्ट ऑप्शन में से फोर एस टू थ्री जो है वो करेक्ट है ठीक है ये हो गया आपका सिक्सथ फिफ्थ क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ फोर्थ भी उसी तरह से है डायग्राम बेस्ड है इस तरह के डायग्राम आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे ठीक है आपको सिर्फ करेक्ट एनालिसिस करना कर, आना चाहिए देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द चार्जेस ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर दो चार्ज कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हुए हैं ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज थ्री माइक्रोफेराइड एंड फोर माइक्रोफेराड दे आर कनेक्टेड विथ अ पोटेंशियल दैट इज़ फोटीन वोल्ट सो वी हैव टू फाइंड चार्जेस ऑन ईच ऑफ देम सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रिक याद रखिए कि अगर ये कैपेसिटर सीरीज में है जैसे कि यहाँ पे सीरीज में दिखाया हुआ इफ़ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज दोनों पे चार्ज सेम आएगा सो so आप एक बार ही कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते दोनों का चार्जेस सेम आता है दूसरी ट्रिक ये है कि आप ऑप्शन डायरेक्टली चेक कर लीजिए अगर ऑप्शन में दोनों वैल्यू सेम सेम आ रही है और एक ही ऑप्शन ऐसा है तो वो वो आपका करेक्ट आंसर होगा लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी ऑप्शन दोनों में दोनों वैल्यू ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सेम सेम वैल्यू दिखाइए इसका मतलब हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि आइदर ट्वेल्व इज करेक्ट और ट्वेंटी फोर इज़ करेक्ट ओके सो इसे हम सॉल्व करेंगे सो so, सबसे पहले तो हम इसका कैपेसिटर निकालेंगे इक्विवेलेंट बिकॉज इट इज़ इन द सीरीज सो सीरीज़ का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वन अपॉन सी एस इजी कोस टू वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर सॉल्व करने के लिए एलसीएम मेथड इट इज फोर प्लस थ्री इट विल बी सेवन बाई ट्वेल्व इसका मतलब है सी एस आया आपका ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सेवन

फोर्टीन सो सॉल्व करने के बाद हमें ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर इज द चार्ज एज द गिवन इज इन माइक्रोफेराइड सो आंसर विल बी ऑल्सो इन द माइक्रो और कैपे चार्जेस से तो उसका वैल्यू कुलम में आता है सो ट्वेंटी फोर माइक्रोफेराइड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है दोनों पे भी वैल्यू सेम आता है सो बी आंसर इज करेक्ट है सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन हियर थ्री कंडेंसर्स ऑफ सेम कैपेसिटीज कनेक्टेड इन सीरीज सो पहले लाइन में हम उन्होंने वैल्यू बता दी कि तीनों कंडेंसर की कैपेसिटीज सेम है सो लेटेस्ट इट विल बी सी और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज हैज इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू माइक्रोफेरेड ठीक है उसका इफेक्टिव कैपेसिटन्स टू माइक्रोफेरेड आ रहा है मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि सी एस जो है वो इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है टू माइक्रोफेरेड और तीन कैपेसिटीज़ की वैल्यू सेम है सीरीज में कनेक्टेड है इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेल एंड चार्जड यूजिंग अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ट्वेल्व वोल्ट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज एनर्जी कितना स्टोर होगा अगर पैरल में कनेक्ट किया और उसके साथ ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की सो so, सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन निकालने से पहले हमें कैपेसिटर की ईच वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ठीक है सो यूजिंग दिस रिलेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री कैपेसिटर्स हाउ टू फाइंड वी विल यूज़ द रेगुलर कंसेप्ट सिंस ईच कैपेसिटी हैज़ द सेम वैल्यू सो मैं सेम वैल्यू से सॉल्व करूँगी और हमें यहाँ पर मिल जाएगा थ्री बाई और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू टू है सो सी एस की जगह पे मैंने टू रख दिया इज इक्वल टू दिस थ्री बाय सी सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें सी मिल रहा है सिक्स माइक्रो वेरड तीनों केपेसिटीज इक्वल है मतलब सिक्स 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 तीनों को आप पैरेल में कनेक्ट किया है दे आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेल सो पैरेल कॉम्बिनेशन में उनका आंसर कितना आ जाएगा दैट सी पी इट विल बी सी पी इट विल बी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सबका वैल्यू सिक्स है तो सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स विल बी एटीन सो एटीन माइक्रोफेराड आपका हो गया पैरल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर अब एनर्जी स्टोर निकालना है इस कंडीशन में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है यू इज इक्वल्स टू वन हाफ सी वी स्क्वेयर अब यहाँ पे पैरल कॉम्बिनेशन है सो so हम यूज करेंगे सी पी वी स्क्वेयर सो वैल्यू सब्सट्यूट कीजिए और फाइनल आंसर निकालिए वी इट इज गिवन एज ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वेयर लेना है सो वी विल यूज हेयर ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व ओके अब हम इसे सॉल्व करेंगे टू ये नाइन हो गया ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व वन फोर्टी फोर इंटू नाइन अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर आएगा ट्वेल्व नाइन सिक्स वन टू नाइन सिक्स मिली जू यह आपका हो जाएगा आंसर ठीक है so सो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट मिल रहा है ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन कम्प्लीट ठीक है अब लास्ट टू बचे हैं उसे भी हम सॉल्व करते हैं सो लेट इस स्टार्ट विथ द सेकेंड वन थ्री कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटीज थ्री सिक्स एंड ट्वेल्व आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी सो यहाँ पर तीनों सीरीज में कनेक्ट है यह स्पेशली बता दिया गया है इफ द चार्जेस ऑन ट्वेल्व माइक्रोफेरेट कंडेंसर इज दिस पी डी अक्रॉस द बैटरी इज अब चूंकि ये सीरीज में है तो एक का जो चार्ज होगा वो टोटल कॉम्बिनेशन का चार्ज हो जाएगा ठीक है सो हमें यहाँ पे निकालना क्या है इन तीनों का इक्वेलेंट कैपेसिटेंस ये हो जाएगा चार्ज क्यू और हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है सो so, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमें यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर मिल जाए सो इट विल बी वन अपॉन थ्री वन अपॉन सिक्स वन अपॉन ट्वेल्व एल मेथड फिर से अप्लाई करेंगे एल सी विल बी ट्वेल्व यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है सेवन बाई ट्वेल्व दैट मीन सी एस हो जाएगा ट्वेल्व बाई सेवेन ये हो गया कैपेसिटर चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ ट्वेंटी फोर कूलम सॉरी मिली कूलम और यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है ये मिली फैरड में है अब निकालना है वोल्टेज सो so, हम कैपेसिटर का रिलेशन रेगुलर वाला यूज़ करेंगे क्यू बाई वी सो इट इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल इज़ क्यू बाई सी ठीक है सो क्यू का वैल्यू कितना है ट्वेंटी फोर मिली है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं और सी एस जो है वो ट्वेल्व बाई सेवन है सो so, मैं इन्वर्ट करके लिख सकती हूँ ट्वेल्व इन टू सेवन ट्वेल्व टू जर ट्वेंटी फोर सेवन टू जै फोरटीन सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फोर्टीन वोल्ट मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस दिसम सो थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं ठीक है so, सो इसमें ट्रिक यही है कि आपको ये कॉम्बिनेशन का पहले फाइंड आउट करके फाइनल आंसर क्या पूछा है ये फोकस करना है नाउ द लास्ट वन थ्री कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी दिस दिस फोर माइक्रोफेरेड टू माइक्रोफेरेड सॉरी मिली है वो एंड थ्री मिली फेरेड आर कनेक्टेड सच दैट टू मिली फैरड एंड थ्री मिली फैरड आर इन सीरीज एंड फोर मिली फैरड आर पैरेलल अब यहाँ पे इन्होंने ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन पूछा है और हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा सो पहले तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें माइंड में इसका स्ट्रक्चर बना लेना है टू और थ्री जो है वो सीरीज में है सो ये हो जाएगा टू और ये थ्री और ये जो है वो फोर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिर्फ निकालने का है सो यहाँ पे ये दो हो गए सीरीज में आंसर हो जाएगा या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं C1 C2 सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस से एल सी मेथड नहीं यूज़ करना है अगर दो कैपेसिटर हो तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं C1 C2 सी टू मीन्स थ्री टू और C1 वन प्लस सी टू दैट मीन्स फाइव सो सी एस हो गया सिक्स बाई फाइव और ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरल में ये फाइनल हो जाएगा दैट इज सिक्स बाई फाइव प्लस फोर अब ये हमें एल से निकालना पड़ेगा एल सी एम यहाँ पे आ जाएगा फाइव सिक्स प्लस फाइव फोर ज ट्वेंटी मतलब ये हो गया हमारा ट्वेंटी सिक्स बाई फाइव अगर इस तरह से आंसर दिया हो तो हमें मिल जाता है आंसर लेकिन ऐसे नहीं दिया है दे आर गिवन इन द पॉइंट्स सो हम इसे डिवाइड करेंगे सो फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव रिमेनिंग इज़ वन फाइव टू जा टेन सो फाइव पॉइंट टू और ये पूरा क्वेश्चन जो है वो मिली फेरेड में था सो फाइव पॉइंट टू मिली फेरेड इसका मतलब कि ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सो so, सीरीज़ और पैरल कॉम्बिनेशन आपको डायग्राम में भी दे सकते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स में भी दे सकते हैं आपको माइंड में पहले ये सेट करना है कि कैसे कॉम्बिनेशन दिया गया उसके बाद अप्लाई करना है और जो फाइनल आंसर पूछा है वो फाइनल आंसर माइंड में रख के उस हिसाब से सॉल्व करना है सो so, होप आज के लेक्चर में भी जो आपको ट्रिक्स और टिप्स और जो सोल्यूशन बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे यह आपको आपके नोटबुक में भी सॉल्व करना है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू